नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल foundmybook.com पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कलाम पब्लिकेशंस की बुक के बारे में। दोस्तों, इस बुक के बारे में बात करूँ उससे पहले बता दूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, ताकि हमारे आने वाली किसी भी न्यू वीडियो को आप मिस ना कर पाए। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इस बुक के बारे में। तो कलाम पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित ये बुक रीड लेवल सेकंड के लिए है, और ये शिक्षा शास्त्र, गणित, विज्ञान एवं भाषा शिक्षण सब्जेक्ट पर बेस्ड है। बात करें इस पुस्तक के लेखक की, तो आप देख सकते हैं इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो है राजेश शिखर, सिमर, मुकेश भास्कर, NS SS यादव और JP सैनी इस बुक के जो है लेखक है। इसके अलावा दोस्तों, कलाम पब्लिकेशन के द्वारा जो रीट परीक्षा विशेषांक है उसमें कई सारी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जिनकी डिटेल पीछे दी गई है। आप चाहे तो इन्हें परचेस कर सकते हैं। अगर आप इनमें से किसी बुक को परचेस करना चाहते हैं या इस बुक को परचेस करना चाहते हैं तो हमारी ऑनलाइन वेबसाइट foundmybook.com से परचेस कर सकते हैं, जहाँ पर आपको ये कम दाम में उपलब्ध मिल जाएगी। उसके अलावा वहाँ पर आपको NCERT और नर्सिंग बुक से रिलेटेड बुक्स भी अवेलेबल मिल जाएगी। बात करें इस बुक की प्राइस की, तो आप देख सकते हैं 180 रुपये की प्राइस है जो कि आपको यहाँ देखने को मिल रही है। अगर आप ये हमारी ऑनलाइन वेबसाइट foundmybook.com से परचेस करेंगे तो इस पर आपको एक अच्छा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। बात कर ले इस पुस्तक की विषय वस्तु के बारे में, तो आप यहाँ देख सकते हैं सबसे पहले खंड अ, जिसमें कॉमन टॉपिक्स है। इसमें मनोविज्ञान, भाषा फर्स्ट व सेकंड, व गणित एवं गणित विज्ञान के टॉपिक्स के ऊपर है। इसमें आपको शिक्षण के लक्ष्य एवं उद्देश्य पहला टॉपिक, मापन, आकलन, मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण, सीखने के प्रतिफल, शिक्षण सामग्री एवं शिक्षक, सहायक सामग्री, पाठ्यपुस्तक एवं पाठ्यचर्या, शिक्षण योजना एवं शिक्षण उपक्रम देखने को मिल जाएंगे। ब, खंड ब के अंदर गणित विज्ञान से रिलेटेड है, जिसमें केवल गणित विज्ञान संबंधित शिक्षण शास्त्रीय मुद्दे आपको देखने को मिलेंगे, जैसे गणित की प्रकृति, तर्क शक्ति एवं भाषा, पाठ्यक्रम में गणित की महत्ता, सामुदायिकता, गणित एवं समस्याएं, विज्ञान की संरचना व प्रकृति, लक्ष्य उद्देश्य विज्ञान को समझना एवं विज्ञान शिक्षण की समस्याएं, विज्ञान की शिक्षण विधियाँ, विज्ञान शिक्षण में नवाचार। उसके बाद में खंड से भाषा शिक्षण, जिसमें आपको देखने को मिलेगा वो उसमें भाषा फर्स्ट और हिंदी एवं भाषा सेकंड संस्कृतम से रिलेटेड टॉपिक देखने को मिलेंगे, जैसे भाषा दक्षता व कौशलों का विकास, भाषा शिक्षण के उद्देश्य, सिद्धांत एवं चुनौतियाँ, भाषा शिक्षण की विधियाँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं थ्योरेटिकल बुक है, पूरी तरह से इजी टू लर्न है। आप इसे परचेस कर सकते हैं, ये बहुत ही कम दाम में आपको हमारी ऑनलाइन वेबसाइट foundmybook.com पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो अगर ये वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि हम आपके लिए ऐसे और वीडियोज़ लाते रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।